प्यारे बच्चों, मेरा नाम इजायद असगर, मैं दहम क्लास की उर्दू की टीचर हूँ। हमने पिछले लेक्चर में नात पढ़ी और उसकी थोड़ी तशरीह भी की। उम्मीद है आपने उसका काम किया होगा। आज हम इस नात से मुताबिक मश्क में मौजूद कुछ सवाल आते हैं, उनके जवाब भी करेंगे। नात के पहले शेर में हज़रत मुहम्मद की कौन सी सिफात बयान की गई हैं? इसमें अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन सिफात का जिक्र किया गया है कि वो मददगार थे, अमानतदार थे और गमख्वार थे। दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? गरीबों, यतीमों और मस्किनों के दिलों को सुकून मिला। इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? यानी कि इंसान को इंसान के होने की पहचान करवाना। शायर के नज़दीक हज़रत मुहम्मद सल्लम का पैगाम क्या है? नात के आखिरी शेर में खिजर से कौन सी हस्ती मुराद है? आपने इन तमाम सवालात के जवाब लिखने और याद करने हैं। इसके अलावा नात का मरकज़ी ख्याल लिखना है और उर्दू बी के काम में आपने मजमून कर रहे थे और आज हम जो मजमून करेंगे वह है शहरी ज़िंदगी के फ़ायदे। इस मजमून को लिखना और याद करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।